अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़ करने हैं और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग ऑफ वाटर इन प्लांट्स। हमें पता है कैपिलरी रिएक्शन की वजह से वाटर राइज करता है, तो इसके डी ऑप्शन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी थी, 4.2 जोल पर ग्राम पर केल्विन। वाटर डिसॉल्व्स नॉन आयनिक कंपाउंड बाय, नॉन आयनिक कंपाउंड को वाटर कैसे डिसॉल्व करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ठीक हो गया। टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन उसने आपको दी है वो दी है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो इसकी वजह से तो नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये वाला ऑप्शन ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, दो मेथड आपने पढ़े थे, एक था बाय बॉयलिंग और दूसरा आपने पढ़ा था कि स्लेट लाइम को यूज़ करके आप टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकते हो। परमानेंट हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिंग, इनमें से ऑप्शंस आपने देखने हैं कि एक था वाशिंग सोडा, तो इसमें से वाशिंग सोडा की ऑप्शन तो दी नहीं गई, और दूसरा था सोडियम ज़ेलाइट, सोडियम ज़ेलाइट की ऑप्शन है तो वो ठीक होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स मेक्स द वाटर परमानेंटली हार्ड, परमानेंटली हार्ड कौन से सॉल्ट्स बनाते थे, सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स। तो इसमें आपने देखना है कि पहला वाला जो है वो कार्बोनेट है, बाकी बी और सी बाइकार्बोनेट्स हैं, और डी वाला ऑप्शन जो है वो सल्फेट है। रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी इन वाटर बॉडीज इज बिकॉज ऑफ डिटर्जेंट हैविंग, डिटर्जेंट के अंदर क्या होता है, फास्फेट होता है, जिसकी वजह से एल्जी की ग्रोथ होती है। ठीक हो गया। डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज नॉट बिकॉज ऑफ, कह रहे कि इसकी वजह से नहीं होती डिप्लेशन, यानी कि कमी नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती एक्वाटिक प्लांट के डिके कर जाने से। अगर प्लांट डिके कर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर तो ऑक्सीजन ख़त्म होगी, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं होगी। बायोडिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करें, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करें, प्लांट्स को खा जाएं, उनकी डिकम्पोजिशन करवा दें, तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। सी ऑप्शन में कह रहा है रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, अगर प्लांट की रैपिड ग्रोथ होगी तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिप्लीशन नहीं होगी, बल्कि ऑक्सीजन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज लीवर इन्फ्लेमेशन, लीवर इन्फ्लेमेशन आपको पता है हेपेटाइटिस के अंदर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज सवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल, कॉलरा के हमने पढ़ा था कि वो सवियर डायरिया होता है उसके अंदर और वो फैटल भी हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया इन वाटर, तो क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं, ये उस ब्लॉक में से आया है एमसीक्यूस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस डज नॉट कॉज हार्डनेस इन वाटर, कौन सा आयन जो है वाटर में हार्डनेस कॉज नहीं करता, सोडियम जो है वो नहीं कॉज करता, कैल्शियम भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, सल्फेट भी करता है, सोडियम नहीं करता। ठीक है, अ डिजीज डैट कॉजेज बोन एंड टूथ डैमेज इज फ्लोरोसिस, ये हमें पता है। एनी कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू, एनी कंपाउंड वाटर में क्यों सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि आयन डाइपोल फोर्सेज डेवलप हो जाती है उनके दरमियान। केमिकल्स यूज टू किल और कंट्रोल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, दे आर डेंजरस ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, डेंजरस होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए, फॉर द टाइम बिंग प्लांट्स के लिए वो डेंजरस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, उनके एज अ फूड जो है वो प्लांट के अंदर जाने लग पड़ते हैं और एक्सेसिव अमाउंट में एक्युमुलेशन होने लग पड़ती है उनकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डेट हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट, वाटर जो है वो प्लांट में किस तरह से राइज करता है, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में पढ़ा था पेज नंबर 139 पे, लास्ट पॉइंट कैपिलरी रिएक्शन, वो पूरा पॉइंट आपने इसके अंदर लिख देना है। विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजोल्विंग पोलर सब्सटेंसेज इन वाटर, ठीक है, इसमें जो था आपने जो हमने पढ़ा था वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट, इसमें दो पॉइंट्स पढ़े थे, पहला पॉइंट था पोलर नेचर ऑफ वाटर, पोलर नेचर ऑफ वाटर में जो है सेकंड पैराग्राफ वो आपने इसके आंसर में लिखना है। व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, उसी टॉपिक का नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 140 के ऊपर था, जिसमें नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में बताया था, वो आपने पूरा तीन लाइंस जो थी वो आपने इसके आंसर में लिखना है। नेक्स्ट है हाउ वाटर डिसॉल्व शुगर एंड अल्कोहल, शुगर एंड अल्कोहल को वाटर किस तरह से डिसॉल्व करता है, पेज नंबर 140 के ऊपर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पूरा पॉइंट आपने इसके आंसर में लिखना है। हाउ लाइमस्टोन डिसॉल्व इन वाटर, लाइमस्टोन जो है वाटर में किस तरह से डिसॉल्व होता है, पेज नंबर 141 के ऊपर काजेज ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो काजेज ऑफ वाटर जहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट से लेकर फर्स्ट
लास्ट एक क्वेश्चन तक जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली क्वेश्चन है ना, वहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करता है तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देता है, वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। डिफरेंशियल बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, आपने सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, बस वही आपने लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हाट आर द काजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, वाटर में हार्डनेस के जो है वो कौन कौन से काजेज हैं। इसमें भी जो है वो आपने पेज नंबर 144 के 1 के ऊपर जो है फर्स्ट पैराग्राफ, फिर दो इक्वेशंस और उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो आपने करना है। जहाँ पर लिखा हुआ ना जिप्सम इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, वो वाला पैराग्राफ आपने इसके अंदर नहीं लिखना, ठीक है। उससे ऊपर तक आपने इसका आंसर लिखना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर, आपने डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी हार्ड वाटर की, उसमें से कोई सी भी दो डिसएडवांटेजेस आपने जो है वो लिख देनी है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि प्रॉपरली लिखें दो, अगर वो थर्ड वाली जो है वो थोड़ी लॉन्ग है, अगर आप उसको प्लेस करना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की जो थी वो बताया था मैंने आपको कि जो कि क्या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंसेज डैट कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। द सब्सटेंसेज डैट कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज की एग्जाम्पल में आप लिखोगे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये जो ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं डेट के नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, और इसकी एग्जाम्पल में आप लिखोगे प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ETC, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। इसमें जो है वो डोमेस्टिक इफ्लुएंट का सेकंड पैराग्राफ आप इसमें लिखोगे। व्हाई आर द पेस्टिसाइड्स यूज्ड, पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ क्यों करते हैं। एग्रीकल्चर इफ्लुएंट के अंदर सेकंड जो पैराग्राफ था जिसमें पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया था, वो तीन लाइन्स आपने इसके अंदर लिखनी है, ठीक है। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें आपने वाटर बॉर्न डिजीज़ का फर्स्ट पैराग्राफ लिख देना है, वाटर बॉर्न डिजीज़ की डेफिनेशन, और फिर मैंने आपको हेडिंग लिखवाई थी काजेज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, तो कॉजेज या रीज़न एक ही चीज़ होती है तो वो आपने लिख देनी है, ठीक हो गया। हाउ वाटर बॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, कोई से भी दो प्रिवेंशन आपने इसके अंदर मैंशन कर देनी है, ठीक हो गया।